हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अभी जनरल नॉलेज के कुछ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिया गया क्वेश्चंस है। इसमें बहुत बार ऐसे देखने को मिलता है कि ये क्वेश्चंस बहुत से एग्जामिनेशंस में क्या रिपीट होता है, तो ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए, हो सकता है ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत से इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज लिए गए हैं जुडिशियल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इक्विनॉक्स का मतलब क्या है? इक्विनॉक्स का मतलब है द टू पीरियड्स ऑफ द ईयर व्हेन डे एंड नाइट आर इक्वल। तो ये 22nd से 23rd सेप्टेम्बर को या फिर 20 से 21st मार्च को देखने को मिल सकता है इक्विनॉक्स। तो नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट डेल्टा इज, तो इसमें से कुछ डेल्टा है तो जिसमें सुंदरबन इज द लार्जेस्ट डेल्टा। नेक्स्ट देखिए, व्हिच इज द कंट्री इन द वर्ल्ड हैविंग द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड। तो अभी जो है चाइना है, बट यहाँ का जो आंसर होगा इस टाइम में यहाँ यूएसए होगा। नेक्स्ट देखिए, द लैंड ऑफ मॉर्निंग कम इज जापान। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है तो इसको याद रखिएगा, लैंड ऑफ मॉर्निंग कम इज जापान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार। किसको कहा जाता है? वेनस को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू, यहाँ पे कुछ कंट्रीज के नाम दिए गए हैं तो जिसमें आंसर ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के भी कुछ सिटीज कुछ स्टेट्स के ऊपर गुजरता है, ये आप देख लीजिएगा, उसको भी बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, द हेडक्वार्टर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन कोलकाता। ये याद रखिएगा, जियोलॉजिकल सर्वे का हेडक्वार्टर जो है ये आपका कोलकाता में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इंडिया इज डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी पिन कोड जोन्स। तो इसका आंसर जो होगा ये 9। नेक्स्ट देखिए, लार्जेस्ट जू इन इंडिया इज जूलॉजिकल गार्डन। कहाँ पे है? ये कोलकाता में है, जूलॉजिकल गार्डन। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए, व्हिच इज द स्टेट इन इंडिया हैविंग द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ कोल। तो इसका जो आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, द सेकेंड लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक यूनिट इन इंडिया इज तेलुगु। फर्स्ट वन इज हिंदी। नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द 24th स्टेट ऑफ इंडिया। तो 24th स्टेट कौन बना था? तो अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए, व्हिच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। तो इसका जो आंसर यहाँ पे जो है नॉन ऑफ दिस होगा, बट जो हाईएस्ट वाटरफॉल है ये है कुंचिकल वाटरफॉल, जिसका हाइट है 455 मीटर। ये कहाँ पे? ये कर्नाटका में है। तो ठीक है, तो कुंचिकल वाटरफॉल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ उत्तरांचल। तो उत्तरांचल का जो कैपिटल है वो देहरादून है। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट सेलुलर फोन सर्विस इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन कोलकाता में। फर्स्ट सेलुलर फोन लॉन्च किया गया था। देखिए नेक्स्ट, व्हाट इज मिरिजुआना। तो मिरिजुआना जो है ये एक, इसका आंसर होगा हैम्प। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स वाज रिटन बाय, आंसर इज अरुंधति रॉय। नेक्स्ट देखिए, ए टेल ऑफ टू सिटीज वाज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। नेक्स्ट देखिए, भागवत गीता वॉज रिटन बाय महर्षि वेदव्यास। देखिए नेक्स्ट, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन वॉज रिटन बाय एनसी चौधरी। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन रोट द बुक, इसका आंसर होगा हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इट वॉज रिटन बाय एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट देखिए, हंग्री स्टोन किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टेगोर। हिमालयन ब्लॉन्डर तो लिखा था जॉन डेल्वी। एंड हंच बैक ऑफ नोट्री डैम ये लिखा था विक्टर हुगो। तो ये बुक्स के नाम एंड राइटर्स के नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इज 12। राज्यसभा में 12 जबकि लोकसभा में 2 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखिए, मनी बिल पास बाय लोकसभा कैन बी डिटेन्ड बाय राज्यसभा फॉर ए मैक्सिमम पीरियड, कितने दिन के लिए? मैक्सिमम पीरियड 14 डेज के लिए रिटेन कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर व्हिच ए स्टेट कैन बी पुट अंडर द प्रेसिडेंट रूल। तो जो स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होता है वो आर्टिकल कितने में है?
आर्टिकल 356 में इम्पोज किया जाता है, जो मैक्सिमम 3 इयर्स तक चलता है। फर्स्ट टाइम इम्पोज जो 6th month के लिए होगा, उसके बाद फिर 6 month, इस तरह कंटिन्यू होते होते ये मैक्सिमम 3 इयर्स तक का हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैनॉट बी ओपन टू अमेंडमेंट, तो यहाँ पर जो आंसर होगा ये बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए, इंडिया हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन ऑफ स्टेट्स बोल डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंट्रल सर्विस, तो इंडियन फॉरेन सर्विस ये सेंट्रल सर्विस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस भी है, इंडियन पुलिस सर्विस भी है, तो ऑप्शन डी इज राइट, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ये सेंट्रल सर्विस नहीं है। देखिए, बाय व्हिच अमेंडमेंट द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजंस वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका आंसर है बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट देखिए, पर्सन कैन बिकम ए सिटीजन ऑफ इंडिया इवन इफ बॉर्न आउटसाइड इंडिया इफ ही और हर, देखिए इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मदर और फादर इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द पर्सन्स बर्थ, उसके जन्म के टाइम पे अगर उसका मम्मी या पापा कोई एक इंडियन सिटीजन होने से भी उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन नेदरलैंड, ये कहां है, हेग में है। नेक्स्ट देखिए, हु इलेक्ट्स द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ, तो यूएनओ के ऊपर भी बहुत क्वेश्चंस आता है, तो इसका आंसर होगा ऑल मेंबर्स ऑफ यूएनओ मिलके जो सेक्रेटरी जनरल होता है उसको इलेक्ट करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए, द फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन इन इंडिया वॉज परफॉर्म्ड बाय डॉक्टर वेणुगोपाल, ये कब किया गया था, ऑन 3rd day of August 1994 को ये किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हु डिस्कवर्ड दैट अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो इसका आंसर है कॉपरनिकस, फुल नेम इज निकोलस कॉपरनिकस। नेक्स्ट देखिए, रेड ब्लड कॉर्पस्केल आर फॉर्म्ड इन बोन मोरो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखिए, व्हिच इज द मोस्ट इलास्टिक, यहाँ पे कॉपर दिया गया, ग्लास दिया है, स्टील है, तो स्टील इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए, ह्यूमिडिटी इन एयर इज मेजर्ड बाय, तो इसका आंसर होगा हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट देखिए, द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई इज डॉग स्टार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए, पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए, आर्यभट्ट वॉज द रिनाउंड इंडियन एस्ट्रोनॉमर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चित्रा देवी इज ए मास्ट्रो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म, तो इसका आंसर होगा कथक। नेक्स्ट देखिए, ब्रह्म समाज वॉज फाउंडेड बाय, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजा राममोहन रॉय। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए, नेम द फर्स्ट वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, तो इसका जो आंसर होगा जुनको टेबेई इज द राइट आंसर, इन 1975 में माउंट एवरेस्ट को सबमिट किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, द चेयरमैन ऑफ 7th फाइनेंस कमीशन वॉज जे एम सेलर। नेक्स्ट देखिए, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ ग्रांट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड एटली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए, द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली इज मिसेस विजयलक्ष्मी पंडित, इन 1953 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मिहिर सेन डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ एज फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए, द फर्स्ट लेडी टू बिकम गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया कौन है, तो मिसेस सरोजनी नायडू, कहां पे, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट इंडियन टू गेट द नोबेल प्राइज वॉज सर सीवी रमन, यहाँ पे जो ऑप्शन है राजा राममोहन रॉय, मिसेस सरोजनी नायडू, सर सीवी रमन, डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर, तो इसमें जो है आंसर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए, हु वॉज द फर्स्ट एवर वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मिसेस श्रीमाबो बंदरानी, कहाँ का, तो श्रीलंका में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए, इन व्हिच फील्ड हैड सीवी रमन डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ, फिजिक्स डिस्कवरी एंड रोमन इफेक्ट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए, व्हिच कंट्री हैड ओन फर्स्ट वर्ल्ड क्रिकेट कप,
तो इसका आंसर है वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट देखिए, ओलंपिक गेम्स वेयर ओरिजिनली स्टार्टेड इन, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, द टर्म पेनाल्टी कॉर्नर इज एसोसिएटेड विथ, हॉकी में ये पेनाल्टी कॉर्नर वर्ड आता है। देखिए अब नेक्स्ट, इन 1992 भारत रत्न अवार्ड वॉज गिवेन टू, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है राजीव गांधी, मदर टेरेसा, जे आर डी टाटा एंड नॉन ऑफ दिस, तो यहाँ पे जो आंसर होगा ये जे आर डी टाटा। ऐसे 1992 में जे आर डी टाटा, अबुल कलाम आजाद एंड सत्यजीत रॉय, इन सबको मिला था भारत रत्न। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन अवार्डेड विद द भारत रत्न, तो यहाँ पे ऑप्शन है मिसेस इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी इज डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन सी संजय गांधी, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये संजय गांधी, इनको नहीं मिला था भारत रत्न। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए, व्हेन वाज द नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इंस्टीट्यूटेड, तो इसका जो आंसर होगा 1965 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए, नेहरू लिटरेरी अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड बाई, तो इसका जो आंसर होगा द इंडिया ऑडिट एजुकेशन एसोसिएशन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द लार्जेस्ट अवार्ड इन इंडिया फॉर गैलेंट्री इज परमवीर चक्र, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए, वी द नेशन वॉज रिटन बाई एन ए पालकीवाला, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हेडक्वार्टर ऑफ विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड कहाँ पे है, तो ये जेनेवा में है। कि द फर्स्ट मोबाइल कोर्ट इन इंडिया वॉज इन हरियाणा इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, बान रोजा इज एसोसिएटेड विथ, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, ठीक है, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज वीस मेजोरा मींस, इसका मतलब है एक्ट ऑफ गॉड। नेक्स्ट देखिए, बागरुम्बा इज ए ट्रेडिशनल डांस ऑफ बोडोस। नेक्स्ट देखिए, द रिवर ब्रह्मपुत्र इन तिब्बत इज नोन एज सेंगपो, ब्रिज अक्रॉस रिवर ब्रह्मपुत्र नियर तेजपुर इज कलियाभमोड़ा। नेक्स्ट देखिए, व्हिच डिस्ट्रिक्ट इन असम हैज बिकम द फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट इन 2016, इसका आंसर है माजुली। नेक्स्ट देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ मृत्युंजय, इसका आंसर है वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य। नेक्स्ट देखिए, अर्लियर नेम ऑफ गुवाहाटी प्रागज्योतिषपुर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, माधव डेका इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बॉडी बिल्डिंग। नेक्स्ट देखिए, विच कमिटी वॉज कंस्टिट्यूटेड बाई पीएम नरेंद्र मोदी टू आइडेंटिफाई ऑब्सोलेट लॉस, तो इसका आंसर होगा रामानुजन कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैपिटल ऑफ इंडिया वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली इन द ईयर ऑफ 1911, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज फेमसली नोन एज ग्रीन जज, तो इनका नाम है जस्टिस कुलदीप सिंह। नेक्स्ट देखिए, चेयरपर्सन ऑफ सेवेंथ सेंट्रल पे कमीशन इज जस्टिस ए के माथुर। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग ग्रेट पर्सनालिटीज इज नोन एज रूप कुंवर, वेरी इज आंसर ज्योति प्रसाद अग्रवाला। नेक्स्ट देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज लाइटर देन एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोराइन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, दैट इज हाइड्रोजन। इन द फर्स्ट एसएमएस फीचर्ड फिल्म जयमती, द एक्ट्रेस हु प्लेड लीड रोल ऑफ जयमती वॉज एड्यू हैंडिक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कमलाबाड़ी सत्र इज सिचुएटेड एट, इसका आंसर होगा माजुली। नेक्स्ट देखिए, ए स्निकोमीटर इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, तो ये क्रिकेट के साथ रिलेटेड है। देखिए नेक्स्ट, द फर्स्ट मॉडर्न एसएमएस नॉवेल मीरी जियोरी वॉज ऑथर्ड बाय रजनीकांत बरदलोई, याद रखिएगा नेम। नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज एट न्यूयॉर्क। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड, इसका आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द इंटरनेशनल वुमेन्स डे, दैट इज ऑन 8th मार्च। नेक्स्ट देखिए, व्हेन इज इंटरनेशनल लेबर डे, दैट इज 1st डे ऑफ मे। देखिए, आईसी चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर आर यूजुअली मेड ऑफ, इसका आंसर होगा सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, चेक द ओड टर्म आउट,
इंटरनेट, लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज। तो इसमें लिनक्स, यूनिक्स एंड विंडोज ऑल दिस आर ऑपरेटिंग सिस्टम, बट इंटरनेट इज अ डिफरेंट थिंग। सो ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, गगन नारंग इज रिलेटेड टू व्हिच गेम? ऑप्शन टू, शूटिंग। नेक्स्ट देखिए, पोंगल इज अ फेस्टिवल, फेमस फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। नेक्स्ट देखिए, व्हिच डेटीज आर वर्शिप्ड इन बद्रीनाथ एंड केदारनाथ? ऑप्शन वन इज दैट इज विष्णु एंड शिवा। एरोफ्लॉट इज द एयरलाइन ऑफ विच कंट्री? आंसर इज रशिया। नेक्स्ट देखिए, ज्वाला गुट्टा इज ए बैडमिंटन प्लेयर, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, विथ विच गेम विल यू एसोसिएटेड एशेज? तो इसका आंसर होगा क्रिकेट। नेक्स्ट देखिए, सरकारी कमीशन वॉज अपॉइंटेड टू रिव्यू द क्वेश्चन ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। नेक्स्ट देखिए, इंडिया लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, नोबेल प्राइजेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअली एट स्टॉकहोम। नेक्स्ट देखिए, SAARC स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ओनम इज ए फेमस फेस्टिवल ऑफ विच अमोंग द फॉलोइंग स्टेट्स? इसका आंसर होगा केरला। नेक्स्ट देखिए, द एंशियंट नेम ऑफ विच इंडियन सिटी वॉज प्रागज्योतिषपुर, दैट इज गुवाहाटी। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग और रीअरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर। भूपेन हजारिका म्यूजिक एंड सुनील गावस्कर फॉर स्पोर्ट, ममता बनर्जी इज फॉर पॉलिटिक्स एंड एफ एस नरीमन इज फॉर लॉ। नेक्स्ट देखिए, बुक्स एंड ऑथर्स को मैच करने के लिए दिया गया है, मिडनाइट चिल्ड्रेन बाय सलमान रुशिद, सिटी ऑफ जॉय बाय डोमिनिक लेपायरी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय, बिफोर मेमोरी फेड्स फली एस नरीमन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन इज फॉर इकोनॉमिक्स, सी वी रमन इज फॉर फिजिक्स, वी कुरियन फॉर डेयरी डेवलपमेंट, नंदन नीलेकानी इज फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, विक्टोरिया अजारेंका इज फॉर टेनिस, टाइगर वुड्स फॉर गोल्फ, लायोनल मेसी फॉर फुटबॉल एंड उसेन बोल्ट फॉर एथलीट्स। सरिस्का सेंचुरी इज इट इन राजस्थान, पेरियर सेंचुरी इट इज इन केरला, गिर फॉरेस्ट इट इज इन गुजरात, कान्हा नेशनल पार्क इट इज इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, शेला पास इट इज इन अरुणाचल प्रदेश, नथुला इट इज इन सिक्किम, रोहतांग इट इज इन हिमाचल प्रदेश एंड काराकोरम इट इज इन जम्मू एंड कश्मीर, नाबम टुकी इट इज रिलेटेड टू अरुणाचल प्रदेश, मुकुल सांगमा मेघालय, लालथाना वाला इट इज फॉर मिजोरम एंड नेफू रियो दैट इज रिलेटेड टू नागालैंड। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान इन इंडिया वॉज लॉन्च इन द ईयर ऑफ 1951 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक द सिटी ऑफ जॉय, दैट इज डोमिनिक लेपेरी। देखिए, सुब्रत कप इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ फुटबॉल। नेक्स्ट देखिए, गगन नारंग इज ए खेल रत्न विनर ऑफ फेमस एयर राइफल शूटर। नेक्स्ट देखिए, कोवलम बीच इज इन विच स्टेट, दैट इज इन केरला। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। वीडियो को लाइक कर दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ। हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।